हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन की। रेडियोग्राफ में हमें नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उसकी हम बात करेंगे। रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट स्ट्रक्चर्स की हम इसमें बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं, रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए, थ्योरीज के लिए ये ज़रूरी है, ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या आगे आप प्रैक्टिस करने वाले हैं तो भी ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपको समझना, लाइफ टाइम आपको ये काम आने वाली चीज़ है। तो धीरे धीरे करके इसको समझेंगे और भी वीडियोज़ इसमें आगे लेकर आएंगे। अगर आप एक्सरे फिल्म के कंटेंट्स देखना चाहते हैं और IOP के लिए इसको कैसे प्लेस करते हैं माउथ में, अलग अलग पोजिशन अलग अलग टूथ के लिए कैसे प्लेस करते हैं वो देखना चाहते हैं, तो उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। या फिर इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन आएगा, सजेशन आएगा, उस पर भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तभी इस वीडियो की बात करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के, क्या क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर हमें पता होंगे तो हम एबनॉर्मल फाइंड कर पाएंगे। अगर हमें नॉर्मल ही नहीं पता होगा तो एबनॉर्मेलिटी हम नहीं बता पाएंगे कि एक्सरे में क्या है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हमको एक्सरे को समझना है कि एक्सरे होता क्या है, इसमें दिखता क्या क्या है, ये हमको समझना है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। ऐसे ही हम स्टडी में सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, इसके बाद पैथोलॉजी पढ़ते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, पहले हम नॉर्मल समझें उस तो हम एबनॉर्मल ऐसे ही फाइंड कर पाएंगे। सपोज़ ये पेन मैं आपको ऐसा दूँ कि ये कंप्लीट पेन है, इसको आप रख लीजिए, तो आप बोलेंगे नहीं ये कंप्लीट नहीं है, इसके साथ कैप आता है, ये ऐसा कंप्लीट है। तो आप ये इसलिए बता पाए क्योंकि आपको इसका नॉर्मल पता है, आपको पता है कि नॉर्मल ये कैप के साथ आता है, तो ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल फाइंड करना ईजी हो जाता है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की हम इसमें बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं रेडियो ओपेक क्या होता है और रेडियो लूसेंट क्या होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। आगे चल के इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, स्टार्टिंग में हम याद तो कर लेते हैं, रट तो लेते हैं कि ये रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स ये हैं, ये रेडियोलुसेंट स्ट्रक्चर्स ये हैं, आगे जाके कन्फ्यूज़न होता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इसको याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं टूथ में, एक्सरे में सॉरी, इनेमल, डेंटिन, पल्प, पल्प चेम्बर, कैनाल्स, लेमाइना ड्यूरा, पेरिडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम, कोई रेस्टोरेशन से, साइनसेस से, जो भी दिखेंगे या तो वो रेडियो ओपेसिटी में हमें दिखेंगे या तो हमें रेडियोलुसेंसी में दिखेंगे। जनरली आप अभी ये समझ लीजिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं रेडियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको भी कुछ भी नहीं पता है, तो याद करने में ये आपको आसान रहेगा कि रेडियो ओपेक मतलब वाइट, जो वाइट हमें दिख रहा है रेडियोग्राफ में एक्सरे में वो रेडियो ओपेक है, जो ब्लैक हमें दिख रहा है वो रेडियोलुसेंट है। आगे इसको हम डिफाइन करेंगे, आगे इसको हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि क्या रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर क्या है, रेडियो लूसेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले समझते हैं रेडियो ओपेक क्या होता है। रेडियो ओपेक वो स्ट्रक्चर्स जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते, रेडिएशंस को, एक्सरे को, लाइट को पास नहीं होने देते, वो होते हैं रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स। ये अपियर होते हैं एक्सरे में वाइट, वाइट टू ग्रे के कलर में ये हमको दिखते हैं, ये रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर हैं, लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। इसके बाद आता है रेडियो लूसेंट, ध्यान से आप दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा, रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट। रेडियो लूसेंट स्ट्रक्चर्स वो हैं जो अपने से लाइट को पास होने देते हैं, अपने थ्रू लाइट को पास होने देते हैं, या कम्प्लीटली होने देते हैं या थोड़ा बहुत पास होने देते हैं। तो ये एक्सरे में अपीयर होते हैं ग्रेइज टू ब्लैक या ऑलमोस्ट ब्लैक, ब्लैक ही जो अपीयर होंगे वो हो गई रेडियो लूसेंसी। ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स जनरली होते हैं। तो ये है रेडियो लूसेंट और रेडियो ओपेक, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर आप रिवर्स कर दीजिए, फिर से आप देख लीजिए रेडियो ओपेक क्या है, रेडियो लूसेंट क्या है। तो चलिए अब समझते हैं रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हमको दिखेंगे हमारे रेडियोग्राफ के अंदर, एक्सरे के अंदर, और रेडियो लूसेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से दिखेंगे। तो सबसे पहले रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स, तो रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स में इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम, कैल्सिफिकेशन कोई अगर है, इसके बाद बोन, बोन एक्चुअली पोरोसिटी में दिखती है, रेडियो लूसेंट और रेडियो ओपेसिटी दोनों में दिखती है, फिर भी हम लेते हैं अभी इसको बोन। तो इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम, बोन,
इसके बाद कोई कैल्सिफिकेशन है वो, इसके बाद मेटल रेस्टोरेशंस, स्टेनलेस स्टील क्राउन्स और या जो भी मेटल रेस्टोरेशंस है गोल्ड वगैरह, ये सारे हमें रेडियो ओपेक दिखेंगे, मतलब वाइट अपीयर होंगे, वाइट टू ग्रे अपीयर होंगे। इसके बाद रेडियो लूसेंट्स की हम बात करते हैं। रेडियो लूसेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या दिखेंगे रेडियोग्राफ में? सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, पल्प हो गया, पल्प चैम्बर, कैनाल्स, इसके बाद कोई फोरामेन है, साइनसेस है, नॉन मेटेलिक रेस्टोरेशंस है लाइक एक्रेलिक है, सिलिकेट है, ये सारे जो है हमें रेडियो लूसेंसी में दिखेंगे। केरीज है, कोई कैविटीज़ अगर है, जितने भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे हमें रेडियो लूसेंसी में दिखेंगे। तो ये हो गया रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो, इसको लिख सकते हैं, इसको याद जरूर कर लीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं कि नॉर्मल क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ, तो चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रेडियो ओपेक आपको समझना है, जितना वाइट स्ट्रक्चर आपको एक्सरे में दिख रहा है, रेडियोग्राफ में दिख रहा है, ये सारा रेडियो ओपेक है। और जितना भी ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डार्क ग्रे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारा रेडियो लूसेंट है। ये जितना ब्लैक इसमें आपको दिख रहा है ये रेडियो लूसेंट इसको हम बोलते हैं। ये पहले आप समझ लीजिए। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जैसा हमने अभी समझा तो रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? इनेमल, ये देखिए इस टूथ की हम बात कर रहे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाइट हमें दिख रहा है, ये इनेमल है। इस इनेमल के बिल्कुल यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रेइश है। ये वाला पार्ट आप देखिए ये डेंटिन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है, ये डेंटिन वाला पार्ट है। इसके बाद नीचे ये जो देख रहे हैं ये सब सीमेंटम है। ये जो वाल दिख रहा है रेडियो लूसेंट स्ट्रक्चर, ये हमारा पल्प है। ये जो नीचे दिख रहे हैं हमें कैनाल्स हैं, ये पल्प चैम्बर है, ये कैनाल्स हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना होगा तो दो कैनाल्स आपको दिखेंगे, एक ये कैनाल है और एक कैनाल यहाँ पर है, इधर पे जा रही है, तो ये दो कैनाल्स हैं यहाँ पर। इसके बाद PDL आपको दिखता है, ये यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से जाता हुआ ये PDL होता है, ये यहाँ पर पूरा PDL होता है जो टूथ को अटैच रखता है बोन से। इसके बाद लेमाइना ड्यूरा, लेमाइना ड्यूरा क्या होता है? जो हमारे टूथ के सॉकेट को बनाता है, जो सॉकेट को बनाता है, यहाँ से ये एक रेडियोपेसिटी आपको यहाँ से दिखेगी जो ऐसा पूरा एक सॉकेट बनाता है, ये है लेमाइना ड्यूरा, इसको हम बोलते हैं लेमाइना ड्यूरा। तो जनरली ये स्ट्रक्चर्स हैं इनेमल, डेंटिन, पल्प, पल्प चैम्बर, कैनाल्स, PDL, लेमाइना ड्यूरा, ये सारे स्ट्रक्चर। और बोन, ये जो सारे दिख रहा है ये बोन है, ये रेडियो ओपेसिटी और रेडियो लूसेंसी में हमें दिखती है ये बोन है। नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, इसमें आगे हम एबनॉर्मल रेडियोग्राफ्स को भी स्टडी करेंगे, समझेंगे, लेकिन ये पूरा नॉर्मल नहीं है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए ये जो रेडियो लूसेंसी आपको दिख रही है, यहाँ पॉकेट बना हुआ है, अब देख रहे हैं तो हम बात कर ही लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियो लूसेंट है, एक पॉकेट यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी। तो जनरली इसमें हमको बात करनी थी रेडियो ओपेसिटी की और रेडियो लूसेंसी की, तो ये हमने देख लिया, आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मली जो हमें एक्सरे में दिखता है, ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है क्या क्या दिखता है। अब आगे हम और भी स्टडी करेंगे तब एबनॉर्मल भी समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको भी इसमें बता दी। फिर फोरामेंस, कैनाल्स और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सभी की हम बात करेंगे धीरे धीरे आगे। तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं अगर और भी वीडियोज़ आप ऐसे देखना चाहते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।